हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्टेनो ग्रुप सी या ग्रुप डी तीनों ही पोस्ट के लिए या ड्राइवर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अभी अक्टूबर की स्टार्टिंग है, अक्टूबर के लास्ट तक लगभग इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया और सारे करेक्शन वगैरह की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी 25 अक्टूबर के आसपास तक। उसके बाद आप मान लीजिए आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा जिसमें आपको तैयारी करनी होगी अपनी परीक्षा की, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है इस भर्ती में। तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट में, ठीक है, नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा इस भर्ती का, जिसमें आपका स्टेनो ग्रुप सी और ग्रुप डी और ड्राइवर इन सभी का एग्ज़ाम जो है अलग अलग दिन होगा, ठीक है। कि आज इसका हुआ है, मान लो 5 तारीख को इसका है तो 6 तारीख को इसका होगा, 7 तारीख को इसका होगा, 8 तारीख को इसका होगा, ऐसे करके अलग अलग दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपको पढ़ाई के लिए लगभग 1 से 1.5 महीना है, मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इस भर्ती के संबंध में, फॉर्म भरने के संबंध में, इस चैनल पर आपको हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 100 से अधिक वीडियो केवल इस एक भर्ती पर पड़ी हुई हैं। जो भर्ती आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की आती है, अलग अलग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, 2022, 23, 24 जैसे जैसे कवर किए हैं मैंने, वैसे वैसे इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आपके डाउट क्लियर होंगे। कुछ नया जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। इस थंबनेल पे जो भी सवाल आपके थे, किस तारीख को होगी परीक्षा, पढ़ाई के लिए कितना समय, वो मैंने आपको बता दिया है। नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम हो जाने की पूरी पूरी संभावना है, और चारों भर्तियों के लिए अलग अलग दिन आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।